नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राणा स्पेस में। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कॉमेट ईवी की टेस्ट ड्राइव। ये टेस्ट ड्राइव मैंने अपने घर पे, तो आ गई है सामने। ये है इसकी टेस्ट ड्राइव, लेंगे। ये लगता है मुझे टॉप मॉडल, टॉप वेरिएंट है। सही जगह ना बैठने के लिए वैसे। हाँ, इसमें सीट कवर लगे हुए ना, ये 10,000 वाले सीट कवर है ना, ऐसे सीरीज का पार्ट। चलो भाई बैठो, ढंग से बैठो, बैठ पा रहे हैं ना, ये है ही कितने बड़े ये। चलो आ जाओ, ड्राइव करेंगे, ठीक है, आते हैं। उसके लिए स्पेस थोड़ा यहाँ पर लगा। चलो बस रेस देनी है, ब्रेक से डालो, पाओ ब्रेक पर तब लगना, तब जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर बहुत स्पेस है ना। हाँ तो ये ऐसी है ना सिटिंग पोजीशन इसकी, यही तो तभी तो अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है। लेकिन पर भाग बहुत दूर नहीं हो गए हैं, तो सीट आगे कर लेती ना तुम। अरे बैठो, पहले बैठो, सीट स्पेस दिखाओ, पहले बैठ जाओ, फिर देखिए कितना स्पेस है, बैठो। बहुत ज्यादा है। हाँ मेरी सीट और आगे आ सकती है वैसे। हाँ तो रोक के कर लो, रोक के कर लो। क्या हुआ है पापा, पापा कितनी जगह है आगे पाँव में। हाँ वहाँ पे तो है, होती ही नहीं जगह जितना जीने। तो ये डायल है इसका DNR और फिर चार्ज पे लगाने के लिए, और ये ऑटो डाउन ऑटो अप है, वहाँ से वाइपर, वाइपर चलाओ, वाइपर पानी नहीं है बिकॉज टेस्ट ड्राइव व्हीकल है। ये इसका स्टीयरिंग व्हील है, कितना मस्त है। और यहाँ पर इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है 10 इंच। और यहाँ से एसी का ये पूरे हैं, ये दो वेंट यहाँ पर है, एक वेंट वहाँ है, एक वेंट वहाँ है, दोनों वेंट पे आप पानी रख के ठंडा कर सकते हैं ऐसे ही। हाँ इंडिकेटर उस तरफ होगा, यहाँ रख के ठंडा कर लो पानी। उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल है आपका IVRM। यहाँ पर ये अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर भी वैनिटी मिरर दिया हुआ है, और इस वाले में वैनिटी मिरर दिया हुआ, बिकॉज ये जो है टॉप मॉडल है 2024 तक लॉन्च से पहले प्री फेस लिफ्ट वाला। यहाँ पर पूरा मस्त ये है, यहाँ पर रखने की जगह है, नीचे यहाँ जगह है, ठीक है। आप कह रहे थे हम दोनों में स्पेस कम हो गया, तो स्पेस तो सही है यार। वो तो क्या है, स्क्रीन टच स्क्रीन दो है। हाँ हाँ, दो टीवी है। इजी चल रही है, बहुत इजी चल रही है तुम्हारे लिए तो। बहुत बहुत मस्त चल रही है। लेफ्ट वाली गाड़ी के लिए थोड़ी तेज चला लो, राइट वाली गाड़ी थोड़ी तेज चलाओगे तेज जाएगा। हाँ हमारे लिए जैसे म्यूजिक आप अपने ब्लॉक में ले चलो, और वहीं से रिवर्स करना। अच्छा रिवर्स, हाँ रिवर्स सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम। इसका जो ORV है वो एडजस्ट अंदर से नहीं होता, वहाँ से होता है, इधर से नहीं उधर से, वहाँ से होता है ऑटोमेटिक, जैसे एस्टर में होता है। और अभी ये स्पोर्ट्स मोड में लगी हुई है, इसका मोड भी चेंज करेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स मोड में तुम्हें ज़्यादा रेस मिल रही होगी, 50% में 104 दिखा रहे हैं यार, ये बहुत है, 104 किलोमीटर 50% स्पोर्ट्स मोड में। और एसी शो ना कैसा पीछे बेटा, कूल आ रहा है, बहुत कूलिंग है। हाँ, अब तो कूलिंग आ रही होगी, हाथों पे बहुत ज्यादा चिल्ड हो रहा है, कूलिंग है। अच्छा ये रिवर्स है, ये न्यूट्रल करना, तो इससे ब्रेक दबा के रखना, ब्रेक दबा के रखो, दबाए ये अभी रिवर्स पे है, इससे ये न्यूट्रल हो जाएगा, ब्रेक छोड़ दोगे तो गाड़ी गिर जाएगी, छोड़ दो ब्रेक। और ये ड्राइव करते हुए डीपे लाना, और ये टच है, अरे टच है, ये देखो ना जा रहा हूँ ऊपर, कोई बात नहीं, खसखस की आवाज नहीं आई, ये देखो, ये देखो उतर जाओ, ये देखो, कोई बात नहीं, उसका लूज है, चलो लग गई, जाओ। मुझे बहुत डर लगता है इस चीज से। इधर ये इसका चार्जिंग हुआ, ब्रेक लाइट भी LED इसकी अच्छी, देखो इधर आओ, ये देखो पूरी सिंगल है इसकी, करो दो ना फोल्ड, लो जनता को दिखा दो ना फोल्ड करके, ये तो फोल्ड उसके लिए सामान, एक बच्चा सो सकता भी है लेकिन सामान के लिए बेसिकली सामान रख लो ऐसे करके, एक को उसको ऐसे करके एक पे सामान रख लो, एक पे बैठ जाएगा कोई, तो इतना तो स्पेस है इसमें कि आदमी बैठ सके आराम से। मतलब
मतलब दो अडल्ट और चार बच्चे दो दिन के लिए अगर मिल जाए तो मजा आ जाए। पसंद ये इसकी चाबी, ये इसकी वो है, ये टॉप वाले वेरिएंट में आती है। और ये सबसे बढ़िया है, ये देखो यहाँ कितना स्पेस है। और यहाँ पर ये दो हुक भी है, देखो ये जो हुक है ना इस पर टांगने के लिए हुक है। और यहाँ पर इसके पावर के वो है ना, बढ़िया वाटर वगैरह रखने के लिए। वाटर उठा लेना अपनी, रख लो वहाँ पर। यहाँ से ये हजार लाइन ऑन होती है, देखो इसकी ये लाइट ऑन है, कितनी मस्त बढ़िया लाइट है यार ये। पीछे नहीं है ना लाइट। और ये इंडिकेटर इसके, वैनिटी अच्छा है ना। ये सीट कवर से इसके जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज में पार्ट में आते हैं। नहीं वैसे देखो क्वालिटी तो अच्छी है इसकी। हाँ क्वालिटी अच्छी है। सो गाइस ये मेरी सिटिंग पोजीशन है, मैं इतना दूर बैठा हुआ हूँ। आप पीछे देखो एडल्ट कितना स्पेस है, जरा बताना। बहुत स्पेस है, ये देखिए पूरा इतना स्पेस है। लाइट्स आती है, ये देखो अब मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। पहले इसको ब्रेक लगाना है, ये डी पे करना है, ये छोड़ दो और चले भी नॉर्मल। कितने वन हैंड ऑपरेशन है इसका, बिल्कुल ऑन तो उसका ऐसे ही है। अब देखो अपनी कॉलोनी के अंदर चला रहे हैं हम लोग इस गाड़ी को, कितने स्मूथली निकल जाएगी और कितनी स्पीड भी हो जाती है सही मेंटेन। देखो तो भी देखो ना, यहाँ पर मैं एक ही हैंड से वो कर रहा हूँ। ब्रेक तुम्हें स्लो लगाना था इसका बेसिकली ना। आप तो सही लगा रहे हो। हाँ तो मुझे पता है ना कि एकदम से तुमने वो तुम्हारी वो, ये देखो मैं सही ब्रेक लगा रहा हूँ, मुझे पता है। एकदम से दबाओगी तो ज़्यादा ब्रेक लगेगा ही ना, डिस्क ब्रेक भी होंगे ना टॉप में। नहीं चलाने में मस्त लग रही है, चलाने में बहुत अच्छी है। वेन्यूवर इसका, इसका बेस मॉडल भी ले लोगे वो भी बहुत तगड़ा है, वॉल्यू फॉर मनी है वो। कितने बड़े बड़े शीशे हैं इसके, विजिबिलिटी कितनी मस्त क्लियर। ये वाला ना सच में ये सबसे बढ़िया चीज है ना, कितनी रोड कितनी क्लियर, बिल्कुल रोड कितनी क्लियर दिख रही है। हाँ यार सीट इसमें सीटेड एडजस्टेबल नहीं है, एक ही नॉर्मल हाइट की सीट है, इसी पे तुम बैठोगे इसी में बैठूंगा बस। सीट एडजस्ट नहीं हो सकती टॉप मॉडल में भी, क्लैरिटी इसमें बहुत ज्यादा है, मतलब पूरा आइडिया आ रहा है मस्त रोड का। सो ये प्राइसेस है MG कॉमेट EV की, ये इंडिया की सबसे सस्ती कार है जो कि 699 में आपको मिलती है। ऑन रोड लगभग 7,50,000 दिल्ली का प्राइस है इसका, और जो ऊपर 9-13 तक जाता है शोरूम। इसमें आप कुछ ऊपर के बीच के और ऊपर का मॉडल जो है फास्ट चार्ज वाले सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये जो फास्ट चार्जर है ये AC फास्ट चार्जर है, DC फास्ट चार्जर नहीं है। सो ये कुछ वेरियंट है जो आप ग्राफिक के साथ ले सकते हैं, और इनके साथ ये जो EV है बहुत ही क्यूट और डिफरेंट लगती है। ये EV 5 कलर में आती है, बेसिकली 2 डुअल टोन है इसमें और बाकी 3 जो है मोनोटोन है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें 2 एयरबैग आते हैं, ई इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी आता है, ABS EBD भी आता है, बाकी रिवर्स कैमरा है, TPMS भी है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग बैग है, हिल होल्ड है। तो ये इसके सेफ्टी फीचर्स हैं। सो गाइस मैं आखिरी में बोलना चाहूँगा कि आपको ये बेस्ट 4-सीटर EV है। मैंने टेस्ट ड्राइव करने के बाद इस बारे में पूरा मैं संतुष्ट हूँ कि ये गाड़ी जो है सिटी राइड के लिए बहुत ही कंफर्ट देने वाली है आपको और बहुत ही पैसे बचाने वाली है। आखिरी में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए राणा स्पेस को और बने रहिए राणा स्पेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं किसी और वीडियो में।